खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। मस्जिद नबवी में एक जगह ऐसी भी है जिसे जन्नत के बागों में से बाग कहा जाता है, और इस जगह पर नफर अदा करने का भी काफ़ी स्वभाव है। हम ढाकेंगे बाबर रियाजुल जन्ना। नहीं कोई खाली कतारे लगा। ये जगह रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ है। फजर की नमाज के बाद इस जगह को औरतों के लिए खाली कर लिया जाता है, और 8 बजे आई गेस मर्दों का टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसे दाम नहीं। ऐसे ही सेट की जगह जालियों के बिल्कुल साथ है, तो नफल अदा करने के बाद आई वॉज ट्राइंग कि मैं किसी तरह अंदर से पिक्चर बना लूँ, पर मैं जैसे ही करीब जाता था तो शुरता मुझे कहता था, ये अल्लाह या शेख माफी सबरा, मतलब नो फोटो। बट सम हाउ आई गॉट अ शॉर्ट ग्लिम्प्स। मैं पहले पहले जब मदीने गया तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले पहले जब मदीने मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, जो कि मदीना का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, और इसके अंदर 10,000 से ज्यादा सहाबा कराम की कब्रें हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों में हर नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, और इधर मदीना में नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता है। दारों से कम मत समझना मेरा सरगशायन ताजे बिलाली। जस्ट इमेजिन कि वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो इधर दफनाए जाते हैं। के लिए बाबे रहमत वहां कोई रुतबे। मस्जिद नबवी के नीचे बहुत बड़ी पार्किंग में मुरादों से दाम। क्या आपने कभी ऐसी लिफ्ट देखी है जिसका दरवाजा खुले और सामने रोजे रसूल हो? कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। One. Like and subscribe. Subscribe. Abba Kiyashara.